शोरकोट सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का दरबार हजरत शाह सादिक नहंग रहमतुल्लाह अलैह का दौरा, मैनेजर औकाफ मोहम्मद सिद्दीक और दीगर अमला भी मौजूद था। शोरकोट से हज चौधरी अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट सेक्रेटरी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का दरबार हजरत शाह सादिक नहंग रहमतुल्लाह अलैह का दौरा, मैनेजर औकाफ मोहम्मद सिद्दीक और दीगर अमला भी मौजूद था। इस मौके पर दरबार पर जारी तरक्याती स्कीम की जल्द तकमील, कंजर्वेशन व रेस्टोरेशन के मायार, वक्फ एराजी के महसूल को महकमाना नेट में फौरी लाने की हिदायत की है। इस हवाले से सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी का कहना था कि दरबार से मुंसलिक 6,000 एकड़ से ज़ायद राजी का तवील अरसे से मुख्तलिफ कानूनी चारा जोइयों में उलझा रहना महकमे के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने जोनल नाजिम और मुतालिका मैनेजर को मामले का जल्द अज जल्द महकमे के हक में फैसले को मुमकिन बनाए जाने की हिदायत की ताकि वक्फ इमलाक की हिफाजत को लाजिम बनाया जा सके। औकाफ खुद इन्हिसारी और किफायशियारी का बेहतरीन मॉडल है जो अपने वसाइल से अपना बजट तश्कील देता है और हुकूमत के लिए बोझ की बजाय उसका एसेट और असासा है। इस हवाले से मजीद उन्होंने कहा कि महकमा औकाफ दरबारों की तज़ीन और आइश के साथ रेवेन्यू के हुसूल के लिए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर खसूसी तवज्जो दे रहा है। वक्फ प्रॉपर्टीज से आमदन के इम्कान को मजीद नफा बख्श बनाकर औकाफ और वक्फ अमारात बिलखसूस मसाजिद व मज़ारात की तामीर व तरक्की की यकीनी बनाए जाए।